हाय गाइस, मैं मेहुल जैन। तो अगर आप पहेली देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। पूरा आराम से बैठकर देखिए, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहेली नंबर एक, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, तो उसके बच्चे कैसे होते हैं? 5 सेकंड के अंदर जवाब दो, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। तो इसका सही जवाब है क्योंकि अंडे मोर नहीं देती है, मोर नहीं। पहली नंबर दो, वह क्या है जिसकी आंखों में उंगली डालो तो वह मुंह खोलती है और सबको काटती है? ऐसा क्या चीज है? चलो लगाओ दिमाग और 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में जवाब लिखो। टाइम अप गाइस। तो इसका सही जवाब है कैंची। अब देखते हैं अगला पहेली, पहेली नंबर तीन, तुम मेरे भाई हो पर मैं नहीं, मैं कौन हूँ? चलो अब ये जवाब दो, 5 सेकंड के अंदर जवाब देना है। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप गाइस। तो इसका सही जवाब है बहन। अगर आपने सही जवाब दिया था तो बहुत बढ़िया। अब इसका जवाब दे के बताओ। पहली नंबर चार, वो कौन है जिसका पेट फुला हुआ है मगर वह दवाई नहीं खाता और दिन रात बिस्तर पर ही लेटे रहता है? जवाब दे के बताओ 5 सेकंड के अंदर। टाइम अप गाइस। तो इसका सही जवाब है तकिया। अगर आपने सही जवाब दिया था तो वीडियो को लाइक करना। पहली नंबर पाँच, वह क्या है जिसके पास एक आंख है फिर भी नहीं देख सकती है? ऐसा क्या चीज है? 5 सेकंड के अंदर जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। टाइम अप गाइस। तो इसका सही जवाब है सुई। सुई धागा तो यूज किया ही होगा ना, वही। पहली नंबर छः, रमेश ने एक दिन में एक ही शहर में 2 शादियां की फिर भी किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? अब भाई 2 शादी की फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला, दिमाग लगाओ और जवाब दो क्यों। टाइम अप गाइस। इसका जवाब है रमेश एक पंडित था, उसने 2 शादी कराई थी ना कि की थी। पहली नंबर सात, वह क्या है जिस पर जितना मर्जी बारिश हो जाए लेकिन वह गीला नहीं होता? अब ऐसा क्या चीज है? चूंकि ये वीडियो का सबसे हार्डेस्ट पहेली है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। टाइम अप गाइस। तो इसका सही जवाब है पानी। कितना भी बरस ले क्या गीला होगा ये। पहली नंबर आठ, चिंकी के पिता के 5 बच्चे हैं, नाना, नैना, नीनी, नोनो, पांचवें बच्चे का क्या नाम है? एक बार सवाल फिर से पढ़ लो, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो पॉज करके जितना देर मर्जी पढ़ लो, लेकिन इसका जवाब सही सही कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि इसका जो जवाब देगा उसका हम अगली वीडियो में कमेंट जरूर दिखाएंगे। टाइम अप गाइस। तो इसका सही जवाब है चिंकी। अगर आपका जवाब सही था तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बता देना। पहली नंबर नौ, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जेब में कुछ हो फिर भी जेब खाली है? ऐसा कैसे हो सकता है? दिमाग लगाइए, सोचिए और जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए 5 सेकंड के अंदर। टाइम अप गाइस। तो इसका जवाब है जेब में छेद हो। जेब में छेद हो लेकिन खाली हो, और क्या। पहली नंबर 10, अब आया वीडियो का सबसे लास्ट पहली, तो वीडियो को ध्यान से देखना, यही इस वीडियो का सबसे लास्ट पहली है। पहली नंबर 10, एक लड़के ने लड़की से उसका नाम पूछा तो लड़की बोली मेरा नाम इस तारीख यानी कि 12/1/2001 में छिपा है, तो लड़की का नाम क्या है बताओ? चलो देखते हैं उस लड़के ने बताया या नहीं, लेकिन आप होते तो बता देते या नहीं। टाइम अप गाइस। तो अब इसका जवाब देखो, 12 जो है उस पे यल आता है, पहले नंबर पे ई आता है, 20वें नंबर पे टी आता है और फिर पहले नंबर पे ई आता है, तो इन सबको आप मिलाओगे तो उस लड़की का नाम बनेगा लता। तो उस डेट को अगर हम डिकोड करें तो उस लड़की का जो नाम निकल के आता है वो नाम बनता है लता। तो अगर आपसे भी कोई ऐसी लड़की सवाल पूछेगी तो आप भी जवाब जरूर दे पाओगे क्योंकि आपने हमारी वीडियो देख ली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यही इस वीडियो का सबसे लास्ट पहली था, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक करके
सब्सक्राइब कर लेना। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। बाय बाय।